रिया क्लास में आज फिर से आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपको कक्षा 10 की एक्सरसाइज 1.2 के बारे में बताता हूँ। इससे पहले सवालों को मैं कई से पहले वीडियो में बता चुका हूँ। आज हमारे पास चौथा सवाल आता है, कह रहा है की मासा 306.657 = 9 दिया है, यानी इन दोनों संख्याओं का मासा हमारे पास 9 दिया है। लासा 306.657 ज्ञात कीजिए, इन दोनों संख्याओं का हमने लासा निकाला। तो देखिए लासा निकालने के क्या करते हैं, बिल सिंपल तरीका है, हम ले लेते हैं दोनों संख्याओं को 306.657, ये ले लिया, इसको हम एक ही बार में काटेंगे। देखिए किस हिसाब से काटते हैं हम, अभाज्य गुणनखंडों के माध्यम से ही काटेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ काट लेते हैं 2 से, यानी कि 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, यहाँ होगा 10, 2 5 10 और 2 3 6। फिर कामा अब 2 के पार ऐसे ये तो कटेगी नहीं, इसे ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम काटते हैं 3 से, 3 5 15, 3 एकम 3, यहाँ काटते हैं 3 2 6, फिर 3 एकम 3, 2 5 27 हो गया, 3 ही 27। फिर चलते हैं 3 से, फिर से काटते हैं 3 एकम 3, 3 7 21, फिर इधर काटते हैं 3 7 21, 3 3 9। फिर देखिये ये दोनों अभाज्य संख्या जो कि अपने अपने पाड़े से ही कटेगी, 17 एकम 17, 73 नहीं आता इसके पाड़े में, ऐसे ले देंगे। फिर 73 से काटेंगे इसको, 73 एकम 73। फिर इसका निकालते हैं हम लासा, तो लासा इज इक्वल टू क्या करेंगे, इन सारी संख्याओं की मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर आई हुई है, 2 × 3 × 3 × 17 × 73, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, 2 3 6 और 6 3 18। फिर 18 की और 17 की गुणा यहाँ कर लेते हैं, यानी 17 8 136, हाँ से लगे 13, 17 1 17 और 13 हमारे पास हो जाता है 30, 306 आ गया। फिर 73 से करते हैं इसी में मल्टीप्लाई, यानी 3 6 18, 3 3 9, फिर 7 6 42 और 7 3 21, तो 8 2 1 3, फिर 9 4 13 का 3, हाँ से लगा 1 2 2, ये हमारे पास आता है, यानी कि 22338, यहाँ लिखते हैं 22338, ये हमारे पास। देखिए फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल हमारे पास आता है पांचवा, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, यानी कि संख्या 6n और अंक 0 पर समाप्त तो हो सकती है। तो हमारे पास हल में क्या है, यदि संख्या 6n 0 के साथ समाप्त होगी तो वह 5 से विभाज्य होगी, यानी कंपल्सरी सीधी सी बात है हमारे पास 5 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात 6n के अभाज्य गुणनखंडों में यानी कि 5 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों क्यों नहीं है, देखिए हमारे पास 6 है, इसके 6 के अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ पे तो 2 3 6 और 3 एकम 3, यानी कि इसमें हमारे पास कहने की कोई 5 से विभाज्य वाली संख्या नहीं है, क्या है हमारे पास केवल 2 और 3 है, इससे सिद्ध है कि ये 0 पर समाप्त